सवेरा सवेरा
ओम शांति। आज 31 दिसंबर इस वर्ष का आखिरी दिन है। 2020 जिसमें हम सभी ने लॉकडाउन देखा, जनता कर्फ्यू देखा, कोरोना का कहर देखा, बहुत सारे इस वर्ष ने हम सभी को अनुभव कराए हैं। हम सभी को इस वर्ष का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि इसी वर्ष ने ही हम सबको योग करने का, मनन चिंतन करने का, थोड़ा सा अपने ऊपर अटेंशन देने का, पुरुषार्थ बढ़ाने का, परिवार के साथ बैठकर के समय बिताने का मौका दिया। इसी वर्ष की बदौलत हम सब ने अपनी सेल्फ चेकिंग भी की और स्वयं को चेंज भी किया। इस वर्ष ने हमको योग बढ़ाने का भी अवसर दिया। हम सभी का ज़रूर योग का चार्ट पहले से इस वर्ष में ज़्यादा ही रहा होगा, क्योंकि सबको निश्चिंत और निरसंकल्प होकर के, एकाग्र होकर के अपने पुरुषार्थ के ऊपर विशेष अटेंशन देने का समय मिला है। तो इस वर्ष ने हम सभी को बहुत सारी सौगातें दी हैं, जो बाबा ने अभी संडे की 27 तारीख की मुरली में कहा कि जो भी आपके संपर्क में आए उसे क्या करो, प्रेजेंट दो। पास्ट को इस रीति से पास्ट करो कि जो आपका पास्ट दूसरों के लिए यादगार बन जाए, आपकी कीर्ति का वो गायन करें, कीर्तन करें। और प्रेजेंट में बाबा ने कहा ना कि आपके संबंध संपर्क में जो भी आए उनको प्रेजेंट दो, और अपने फीचर्स के द्वारा वर्तमान में फ्यूचर को दिखाना है। तो बाबा ने हमको नए वर्ष के लिए पहले ही ये होमवर्क दे दिया है, लेकिन आज भी शाम को बाबा मिलन होगा नए वर्ष का, जिसमें सेवा का टर्न दिल्ली जोन का ही है। तो आज बाबा हमको नए वर्ष के लिए क्या विशेष होमवर्क देते हैं वो हम सभी सुनेंगे और ज़रूर उसके ऊपर अटेंशन भी देंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद के साथ आज हम इस पुराने वर्ष को विदाई देंगे। तो आज प्यारे बाबा की इस वर्ष की अंतिम मुरली सुनते हैं, 31/12/2020, आधा इधर और आधा उधर। अभी हम कलयुग से पार होके सतयुग में जा रहे हैं।
बाबा ने आज कहा, मीठे बच्चे तुम्हारी यह ईश्वरीय मिशन है, तुम सबको ईश्वर का बनाकर उन्हें बेहद का वर्षा दिलाते हो। प्रश्न है, कर्मेंद्रियों की चंचलता कब समाप्त होगी? तो बाबा ने कहा, जब तुम्हारी स्थिति सिल्वर एज तक पहुंचेगी, अर्थात जब आत्मा त्रेता की सतो स्टेज तक पहुंच जाएगी, तो कर्मेंद्रियों की चंचलता बंद हो जाएगी। अभी तुम्हारी रिटर्न जर्नी है, इसलिए कर्मेंद्रियों को वश में रखना है। कोई भी छिपाकर ऐसा कर्म नहीं करना जो आत्मा पतित बन जाए। अविनाशी सर्जन तुम्हें जो परहेज बता रहे हैं उस पर चलते रहो। तो इस वर्ष में हम सभी पुरानी बातों को, पुराने संकल्पों को, पुराने संस्कारों को, पुरानी कोई भी ऐसी बातें जो हमारे द्वारा नहीं होनी चाहिए, उन सबको विदाई देंगे। और आज का गीत भी बहुत सुंदर है, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। तो आज हम ज्ञान दर्पण में अपना मुखड़ा देख करके और कल नए वर्ष के लिए उस मुखड़े को तैयार करेंगे। बाबा ने कहा, रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं, ना सिर्फ तुम बच्चों को, जो भी रूहानी बच्चे प्रजापिता ब्रह्मा मुख वंशावली हैं वह जानते हैं, हम ब्राह्मणों को ही बाप समझाते हैं। पहले तुम शूद्र थे, फिर आकर ब्राह्मण बने हो। बाप ने वर्णों का भी हिसाब समझाया है। दुनिया में वर्णों को भी समझते नहीं, सिर्फ गायन है। बाबा कहते, अभी तुम ब्राह्मण वर्ण के हो, फिर देवता वर्ण के बनेंगे। विचार करो, यह बात राइट है? जज योर सेल्फ। आप देखो, दुनिया में कोई भी साधु संत महात्मा प्रवचन करने वाला, प्रवचन करने के बाद कभी भी अपने जिज्ञासुओं से ये नहीं पूछेगा कि मैंने जो बात कही वो सत्य है, आप उस सत्य बात को अपने आप से जज करो। हम नहीं समझते हैं कि कोई भी ऐसा कहता होगा, हमको तो नहीं लगता कोई कहता होगा ऐसे, लेकिन यहाँ बाबा जो ज्ञान का सागर है, स्वयं भगवान सर्वशक्तिवान है ना, वो क्या कहता है कि जो बातें मैं तुमको सुना रहा हूँ, जज योर सेल्फ, अपने आप से जज करो कि क्या मैं राइट कह रहा हूँ। जो राइट है वही ये बात कह सकता है, जो सत्य नहीं है उसको ये बात कहने की ताकत भी नहीं आएगी, क्योंकि उसको पता है मैं राइट नहीं हूँ, समझे? तो बाबा क्या कहते हैं, जज योर सेल्फ, हमारी बात सुनो और भेंट करो। बाबा कहते हैं, शास्त्र जो जन्म जन्मांतर सुने हैं और जो ज्ञान सागर बाप समझाते हैं, उनकी भेंट करो, राइट क्या है। बाबा कहते हैं, ब्राह्मण धर्म अथवा कुल बिल्कुल भूले हुए हैं। तुम्हारे पास विराट रूप का चित्र बना हुआ है, इस पर समझाया जाता है। बाकी इतनी भुजाओं वाले चित्र जो बनाए हैं और देवियों को हथियार आदि बैठ दिखाए हैं, वह सब हैं रोंग। यह भक्ति मार्ग के चित्र हैं, इन आँखों से सब देखते हैं परंतु समझते नहीं, कोई के ऑक्यूपेशन का पता नहीं है। अभी तुम बच्चों को अपनी आत्मा का पता पड़ा है और 84 जन्मों का भी मालूम पड़ा है। जैसे बाप तुम बच्चों को समझाते हैं, तुमको फिर औरों को समझाना है। शिव बाबा तो सबके पास नहीं जाएंगे, कौन जाएंगे? हम बच्चे ही तो जाएंगे ना समझाने के लिए सबके पास। तो बाबा तो सबके पास जाके नहीं समझाएंगे, बाबा तो हमको समझाते हैं, हमको फिर क्या करना है,
औरों को समझाना है, दूत हैं ना हम, भगवान के मैसेंजर हैं, गॉड के, अल्लाह के पैगंबर हैं, तो हमें उसका पैगाम सबको देना है। अल्लाह स्वयं अपना पैगाम तो नहीं देता ना, किसके द्वारा देता है? पैगंबर के द्वारा देता है। तो बाबा कहते जरूर बाप के मददगार चाहिए ना, इसलिए तुम्हारी है ईश्वरीय मिशन, तुम सबको ईश्वर का बनाते हो, समझाते हो, वह हम आत्माओं का बेहद का बाप है, उनसे बेहद का वर्षा मिलेगा। जैसे लौकिक बाप को याद किया जाता है, उनसे भी जास्ती पारलौकिक बाप को याद करना पड़े। लौकिक बाप तो अल्पकाल के लिए सुख देते हैं, बेहद का बाप बेहद का सुख देते हैं। यह अभी आत्माओं को ज्ञान मिलता है। अभी तुम जानते हो तीन बाप हैं, मालूम है ना सबको, ये तो बात भूले नहीं होंगे, और कभी मैं समझती हूँ भूल सकते भी नहीं हैं, है ना। तीन बाप तो सभी को याद ही हैं, लौकिक, अलौकिक और पारलौकिक। बाबा कहते बेहद का बाप अलौकिक बाप द्वारा तुमको समझा रहे हैं, इस बाप को कोई भी जानते नहीं। ब्रह्मा की बायोग्राफी का किसको पता नहीं है, उनका ऑक्यूपेशन भी जरूर जानना चाहिए ना। शिव की, श्री कृष्ण की महिमा गाते हैं, बाकी ब्रह्मा की महिमा कहाँ। निराकार बाप को जरूर मुख तो चाहिए ना, जिसे अमृत दे, ज्ञान अमृत है ना। तो बाबा कहते किसके द्वारा दिया जाएगा, इसीलिए गीता में भी क्या शब्द लिखा, भगवान उवाच, भगवान उवाच, उवाच यानी बोलना। तो बोलने के लिए क्या चाहिए, मुख चाहिए। इसीलिए भक्ति में उसका दूसरा भी गायन है कि बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना। लेकिन ये कहीं नहीं लिखा कि वो बिना मुख के बोलता भी है, ऐसा लिखा है कि वो बिना पाँव के चलता है, बिना हाथों के सारी सृष्टि के कार्य करता है ना, बिना कानों के सुनता भी है, बिना आँखों के देखता भी है, लेकिन ऐसा कहीं नहीं लिखा कि वो बिना मुख के बोलता भी है। बोलने के लिए मुख चाहिए, इसीलिए गीता में क्या लिखा, भगवानु वाच, भगवान मुख से बोले, भगवान ने ये शब्द उच्चारण किए। तो जो शब्दों का उच्चारण है वो बाबा कहते बिना मुख के तो नहीं हो सकता है। बाबा कहते भक्ति मार्ग में बाप को कभी यथार्थ रीति याद नहीं कर सकते हैं। अभी तुम जानते हो, समझते हो, शिव बाबा का रथ यह है, रथ को भी श्रृंगार करते हैं ना, जैसे मोहम्मद के घोड़े को भी सजाते हैं। तुम बच्चे कितना अच्छी रीति मनुष्यों को समझाते हो, तुम सभी की बड़ाई करते हो, बोलते हो तुम यह देवता थे, फिर 84 जन्म भोग तमो प्रधान बने हो। अब फिर सतो प्रधान बनना है तो उसके लिए योग चाहिए, परंतु बड़ा मुश्किल कोई समझते हैं, समझ जाएं तो खुशी का पारा चढ़े। समझाने वाले का तो और ही पारा चढ़ जाए, समझने वाले का तो पारा चढ़ेगा ही चढ़ेगा, लेकिन समझाने वाले का भी अगर वो उस नशे से समझाता है कि मैं किसका ज्ञान सुना रहा हूँ, मैं तो भगवान का ज्ञान सुना रहा हूँ। बेहद के बाप का परिचय देना कोई कम बात है क्या? बाबा कहते समझ नहीं सकते, कहते हैं यह कैसे हो सकता। बेहद के बाप के जीवन कहानी सुनाते हैं। अब बाप कहते हैं बच्चे पावन बनो, तुम पुकारते थे ना कि हे पतित पावन आओ। गीता में भी मन मना भव अक्षर है, परंतु उनकी समझानी कोई के पास नहीं है कि मन भगवान में कैसे लगाएं। पहली बात तो ये कि भगवान है कौन, क्योंकि उन्होंने तो गीता का भगवान किसको कह दिया, श्री कृष्ण को, तो मन किस में लगाएं।
तो बाबा कहते, बाप आत्मा का ज्ञान भी कितना क्लियर समझाते हैं, कोई शास्त्र में यह बातें हैं नहीं। भल कहते हैं आत्मा बिंदी है, भ्रिकुटी के बीच स्टार है, परंतु यथार्थ रीति किसी की बुद्धि में नहीं है। वह भी जानना पड़े, कलयुग में है ही अनराइटियस, सतयुग में हैं सब राइटियस, भक्ति मार्ग में मनुष्य समझते हैं यह सब ईश्वर से मिलने के रास्ते हैं। इसलिए तुम पहले फॉर्म भराते हो, यहाँ क्यों आए हो? इससे भी तुमको बेहद के बाप का परिचय देना है। पूछते हो आत्मा का बाप कौन है? सर्वव्यापी कहने से तो कोई अर्थ ही नहीं निकलता, सबका बाप कौन है यह है मुख्य बात। अपने अपने घर में भी तुम समझा सकते हो, एक दो मुख्य चित्र सीढ़ी त्रिमूर्ति झाड़ यह बहुत जरूरी हैं। झाड़ से सब धर्म वाले समझ सकते हैं कि हमारा धर्म कब शुरू हुआ। हम इस हिसाब से स्वर्ग में जा सकते हैं। बाबा कहते जो आते ही पीछे हैं वह तो स्वर्ग में जा ना सकें, बाकी शांति धाम में जा सकेंगे। झाड़ से भी बहुत क्लियर होता है, जो जो धर्म पीछे आए हैं उन्हों की आत्माएं जरूर ऊपर में जाए विराजमान होंगी। जब तक सतयुग त्रेता में देवी देवता धर्म की आत्माएं रहेंगी तब तक दूसरे धर्म की आत्माएं नीचे नहीं आ सकती हैं। द्वापर से जब देवी देवता वाम मार्ग में आएंगे तब दूसरे धर्म और धर्म पिताएं और दूसरे धर्म आएंगे। बाबा कहते तुम्हारी बुद्धि में सारा फाउंडेशन लगाया जाता है। बाप कहते हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म का सैपलिंग तो लगा, फिर झाड़ के पत्ते भी तुमको बनाने हैं, अनेक आत्माओं को बाबा का परिचय देना है, जैसे हमें भी किसी ने दिया। हमें भी तो किसी ने बाबा का परिचय दिया ना, तो ऐसे हमें अब क्या करना है, अब हमें औरों को देना है। पत्ते बिगर तो झाड़ होता नहीं। इसलिए बाबा पुरुषार्थ कराते रहते हैं आप समान बनाने के लिए, और धर्म वालों को पत्ते नहीं बनाने पड़ते हैं, वह तो ऊपर से आते हैं फाउंडेशन लगाते हैं, फिर पत्ते पीछे ऊपर से आते जाते हैं। तुम फिर झाड़ की वृद्धि के लिए यह प्रदर्शनी आदि करते हो, इससे पत्ते लगते हैं, फिर तूफान आने से गिर पड़ते हैं, मुरझा जाते हैं। यह आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है, इसमें लड़ाई आदि की कोई बात नहीं, सिर्फ बाप को याद करना और कराना है। तुम सबको कहते हो और जो भी रचना है उनको छोड़ो, रचना से कभी वर्षा मिल ना सके। वर्षा किससे मिलेगा? रचयिता बाप को ही याद करना है, और किसकी याद ना आए, क्योंकि वर्षा किसकी याद से मिलेगा? रचयिता की याद से मिलेगा। बाप का बनकर ज्ञान में आकर फिर अगर कोई ऐसा काम करते हैं तो उसका बोझा सिर पर बहुत चढ़ता है। बाप पावन बनाने आते हैं और फिर ऐसा कुछ काम करते हैं तो और ही पतित बन पड़ते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं ऐसा कोई काम ना करो जो घाटा पड़ जाए, बाप की गलानी होती है ना। ब्लैक कपड़े के ऊपर कितने भी दाग हों, आजकल सर्दी चल रही है ना, लोग ब्लैक कोट पैंट, ब्लैक शॉल, ब्लैक साड़ी, ब्लैक सूट, ब्लैक ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि क्या कहते हैं, काला ना मैला नहीं होता। एक्चुअली मैला तो होता ही है लेकिन उसमें मैल दिखती नहीं है। और सफ़ेद के ऊपर एक छोटा सा दाग भी पड़ जाए ना
तो लोग 5-6 मीटर की साड़ी नहीं देखते हैं, उस एक दाग को देखते हैं। तो बाबा क्या कह रहा है कि कोई भी ऐसा कर्म ना हो जिससे बाप की ग्लानी हो। इतना श्रेष्ठ ज्ञान, इतना ऊंच ज्ञान लोग सब भूल जाएंगे अगर हमारा कोई भी एक कर्म ऐसा हुआ तो। तो बाबा कहते ऐसा कर्म नहीं करो जो विकर्म जास्ती हो जाए। परहेज भी रखनी है, दवाई में भी परहेज रखी जाती है। डॉक्टर कहे यह खटाई आदि नहीं खाना है तो मानना चाहिए, कर्मेंद्रियों को वश करना पड़ता है। अगर छिपाकर खाते रहेंगे तो फिर दवाई का असर नहीं होगा। इसको कहा जाता है आसक्ति। बाप भी शिक्षा देते हैं यह नहीं करो, सर्जन है ना। आए बात समझ में कि बाबा कह रहे हैं शरीर की भी संभाल करनी है ना। अब कईयों को शुगर है, डॉक्टर मना करता है कि मीठा नहीं खाना, है ना, तो उनके संकल्प चलते रहते हैं क्योंकि मीठा खाने के हैबिचुअल हैं, आदत होती है उनको, तो संकल्प चलते हैं तो कहते हैं नहीं थोड़ा तो खा लेते हैं, कोई नहीं एक गोली फालतू खा लेंगे। तो बाबा इसको क्या कह रहे हैं, आसक्ति है, ऐसा नहीं करना है, आसक्ति नहीं रखनी है किसी भी चीज़ में। अगर डॉक्टर कह रहा है किसी चीज़ की, हमको मना कर रहा है, तो हमको वो परहेज भी करना है क्योंकि हमें ये शरीर अभी बहुत लंबे समय तक चलाने हैं, बहुत लंबे समय तक चलाना है। कोशिश यही करनी है कि घर जाने तक यही शरीर चले, दूसरा बदलना ना पड़े। हाथ में नहीं है वैसे हमारे ये चीज़, समय सबका निश्चित है, लेकिन हम अपनी तरफ से जानबूझ के कोई भी ऐसा कर्म ना करें जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचे, समझे। तो बाबा कहते हैं ऐसे आसक्ति से खाएंगे तो शरीर को क्या होगा, नुकसान होता है। बाबा कहते लिखते हैं बाबा मन में संकल्प बहुत आते हैं, खबरदार रहना है। गंदे स्वप्न, मनसा में संकल्प आदि बहुत आएंगे, इनसे डरना नहीं है, परीक्षा है ना ये हमारी, तो उसमें हमें पास होना है। बाबा कहते सतयुग त्रेता में यह बातें होती नहीं, तुम जितना आगे नज़दीक होते जाएंगे सिल्वर एज तक पहुँचेंगे तब कर्मेंद्रियों की चंचलता बंद हो जाएगी, कर्मेंद्रियाँ वश हो जाएंगी। बाबा कहते सतयुग त्रेता में वश थी ना, जब उस त्रेता की अवस्था तक आओ तब वश होंगी, फिर सतयुग की अवस्था में आएंगे तो सतो प्रधान बन जाएंगे, तो फिर कर्मेंद्रियाँ पूरी वश हो जाएंगी। कर्मेंद्रियाँ वश थी ना सतयुग में, थे तो कर्मेंद्रियाँ पूरे वश में थी। बाबा कहते नई बात थोड़ी है, कर्मेंद्रियों को वश करना, बाबा कहते तुम बच्चों के लिए नई बात थोड़ी है, तुम तो कल्प कल्प के विजयी आत्माएं हो। बाबा कहते आज कर्मेंद्रियों के वश हैं, कल फिर पुरुषार्थ कर कर्मेंद्रियों को वश कर लेते हैं, वह तो 84 जन्मों में उतरते आए हैं, अभी रिटर्न जर्नी है, सबको सतो प्रधान अवस्था में जाना है। अपना चार्ट देखना है, हमने कितने पाप कितने पुण्य किए हैं। गीत की बाबा स्मृति दिला रहे हैं कि मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। बाप को याद करते कहते आयरन एज से सिल्वर एज तक पहुंच जाएंगे तो कर्मेंद्रियां वश हो जाएंगी, फिर तुमको महसूस होगा अभी कोई तूफान नहीं आते हैं, वह भी अवस्था आएगी। बाबा कहते फिर गोल्डन एज में चले जाएंगे, मेहनत कर पावन बनने से खुशी का पारा भी चढ़ेगा। जो भी आते हैं उनको समझाना है कैसे तुमने 84 जन्म लिए हैं, जिसने 84 जन्म लिए हैं वही समझेंगे, कहेंगे अब तो बाप को याद कर मालिक बनना है। 84 जन्म नहीं समझते हो तो शायद राजाई के मालिक नहीं बने होंगे, हम तो हिम्मत दिलाते हैं, अच्छी बात सुनाते हैं, तुम नीचे गिर पड़ते हो,
जिसने 84 जन्म लिए होंगे उनको झट स्मृति आएगी। बाप कहते हैं तुम शांति धाम में पवित्र तो थे ना, अब फिर तुमको शांति धाम सुख धाम में जाने का रास्ता बताते हैं, और कोई भी रास्ता बता ना सके। शांति धाम में भी पावन आत्माएं ही जा सकेंगी, जितना खाद निकलती जाएगी उतना ऊंच पद मिलेगा। जो जितना पुरुषार्थ करे, हर एक के पुरुषार्थ को तो तुम देख रहे हो, बाबा भी बहुत अच्छी मदद करता है। हम हिम्मत रखते हैं तो बाबा भी बहुत अच्छी मदद करता है, बाबा ही मदद करता है। उसकी मदद के बिना तो हम एक कदम भी चल नहीं सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते हैं। वही मदद करता है तो हम कुछ कर सकते हैं। बाबा कहते यह तो जैसे पुराना बच्चा है, हर एक की नब्ज़ को समझते हो ना। सियाने जो होंगे वह जट समझ जाएंगे, बेहद का बाप है, उनसे जरूर स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए। मिला था, अब नहीं है, फिर मिल रहा है। बाबा कहते एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ा है। बाप ने जब स्वर्ग की स्थापना की थी तुम स्वर्ग के मालिक थे, फिर 84 जन्म ले नीचे उतरते आयो, अभी है यह तुम्हारा अंतिम जन्म। हिस्ट्री रिपीट तो जरूर करेगी ना। तुम सारा 84 का हिसाब बताते हो, जितना समझेंगे उतना पत्ते बनते जाएंगे। तुम भी बहुतों को आप समान बनाते हो ना, तुम कहेंगे हम आए हैं सारे विश्व को माया की जंजीरों से छुड़ाने, इसलिए हम माया की जंजीरों में आकर के कोई भी ऐसा विकर्म नहीं कर सकते हैं जो बाबा की ग्लानी हो। गीत है ना, नाम ना लेना रोने का, रोतों को हंसाने आए हो, नहीं रूठना कभी कि तुम रूठों को मनाने आए हो। तो हम कभी भी कोई ऐसा विकर्म नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारा कर्तव्य क्या है, सबको माया की जंजीरों से मुक्त करना। जो फायर ब्रिगेडियर होते हैं उनका काम आग बुझाना होता है, ना कि भड़काना या लगाना। तो बाबा ने हम सबको क्या बनाया है, इस कलयुगी दुनिया में ईर्ष्या द्वेष नफरत की अग्नि तो जली रही है, लेकिन हम उस अग्नि को बुझाने वाले हैं, लगाने वाले या उसको और अधिक भड़काने वाले नहीं हैं। तो बाबा कहते तुम कहेंगे हम आए सारे विश्व को माया की जंजीरों से छुड़ाने। बाप कहते मैं सबको रावण से छुड़ाने आता हूँ। तुम बच्चे भी समझते हो बाप ज्ञान का सागर है, तुम भी ज्ञान प्राप्त कर मास्टर ज्ञान सागर बनते हो ना। ज्ञान अलग है, भक्ति अलग है। तुम जानते हो भारत का प्राचीन राजयोग बाप ही सिखलाते हैं, कोई मनुष्य सिखला नहीं सकते। परंतु यह बात सबको कैसे बताएं, यहां तो असुरों के विघ्न भी बहुत पड़ते हैं। आगे तो समझते थे शायद कोई कीचड़ा डालते हैं, अभी समझते हो यह विघ्न कैसे डालते हैं। बाबा कहते नथिंग न्यू, कल्प पहले भी ये हुआ था, तुम्हारी बुद्धि में यह सारा चक्र फिरता रहता है। बाबा हमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझा रहे हैं। बाबा हमको लाइट हाउस का भी टाइटल देते हैं, एक आँख में मुक्ति धाम, दूसरी आँख में जीवन मुक्ति धाम। तुमको शांति धाम में जाकर फिर सुख धाम में आना है, यह है ही दुख धाम। बाबा कहते इन आँखों से जो कुछ तुम देखते हो उनको भूलो, अपने शांति धाम को याद करो। आत्मा को
अपने बाप को याद करना है। इसको ही अव्यभिचारी योग कहा जाता है। ज्ञान भी एक से ही सुनना है, वह है अव्यभिचारी ज्ञान। याद भी एक को करो, मेरा तो एक दूसरा ना कोई। अव्यभिचारी याद और अव्यभिचारी ज्ञान, एक को ही याद करना है और उस एक का ही ज्ञान सुनना है। बाबा कहते जब तक अपने को आत्मा निश्चय नहीं करेंगे तब तक एक बाप की याद नहीं आएगी। आत्मा कहती है मैं तो एक बाबा का ही बनूंगी। आत्मा क्या कहती है, आप सब तो बने हुए हो ना बाबा के। बाबा कहते मुझे जाना है बाबा के पास, यह शरीर तो पुराना जड़ जड़ी भूत है, लेकिन इस जड़ जड़ी भूत शरीर की संभाल करके इसको अंत तक चलाना है, संभाल करनी है इसकी। इनमें भी ममत्व नहीं रखना है, यह ज्ञान की बात है। ऐसे भी नहीं कि शरीर की फिर संभाल ही नहीं करनी है, समझे। इसमें ममत्व नहीं रखने का मतलब ये नहीं कि इसकी फिर संभाल ही नहीं करनी है। अंदर में समझना है यह पुरानी खाल है, इनको तो अब छोड़ना है। तुम्हारा है बेहद का संन्यास, वह तो जंगल में चले जाते हैं, तुमको घर में रहते याद में रहना है। याद में रहते रहते तुम भी शरीर छोड़ सकते हो। अंतमति सुगति कितनी श्रेष्ठ हो जाएगी। कहाँ भी हो तुम एक बाप को याद करो, याद में रहेंगे तो स्वदर्शन चक्रधारी बनेंगे, तो कहाँ भी रहते तुम ऊंच पद पा लेंगे। जितना इंडिविजुअल मेहनत करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। घर में रहते भी याद की यात्रा में रहना है, अभी फाइनल रिजल्ट में थोड़ा टाइम पड़ा है, फिर नई दुनिया भी तैयार चाहिए ना। अभी कर्मातीत अवस्था हो जाए तो सूक्ष्म वतन में रहना पड़े, सूक्ष्म वतन में रहकर भी फिर जन्म लेना पड़ता है, आगे चलकर तुमको सब साक्षात्कार होगा। ब्रह्मा बाबा कहाँ पर है, अभी सूक्ष्म वतन में है, लेकिन सभी सूक्ष्म वतन में नहीं है, है ना। कईयों ने तो जन्म पुनर्जन्म ले लिया है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार है धारणा के लिए, पहली बात एक बाप से ही सुनना है, एक की ही अव्यभिचारी याद में रहना है, इस शरीर की संभाल रखनी है लेकिन ममत्व नहीं रखना है। दूसरा, बाप ने जो परहेज बताई है उसे पूरा पालन करना है। ऐसा भी कोई कर्म नहीं करना है जो बाप की गिलानी हो। पाप का खाता बने, अपने को घाटे में नहीं डालना है। वरदान, अपनी विशाल बुद्धि रूपी तिजोरी द्वारा ज्ञान रत्नों का दान करने वाले महादानी भव। बुद्धि सभी कर्मेंद्रियों की शिरोमणि गाई हुई है। जो विशाल बुद्धि हैं, अर्थात जिनकी बुद्धि सालिम है, उनका मस्तक सदा चमकता है, क्योंकि बुद्धि रूपी तिजोरी में सारा ज्ञान भरा हुआ है। वे अपने बुद्धि रूपी तिजोरी से ज्ञान रत्नों का दान कर
महादानी बन जाते हैं। तुम बुद्धि को सदा ज्ञान का भोजन देते रहो। बुद्धि अगर ज्ञान बल से भरपूर है तो प्रकृति को भी योग बल से ठीक कर लेती है, शरीर को भी ठीक कर लेती है। सर्वोत्तम बुद्धि वाले संपूर्ण ज्ञान से सर्वोत्तम कमाई कर वैकुंठ की बादशाही प्राप्त करते हैं। और स्लोगन है, शक्ति स्वरूप स्थिति का अनुभव करना है तो संकल्पों की गति को धैर्यवत बनाओ। अच्छा, ओम शांति शांति शांति। तो आज हम सभी इस पुराने वर्ष को बहुत दिल से धन्यवाद देते हुए विदाई देंगे कि जिसने हमें पुरुषार्थ का समय दिया, अपना मुखड़ा देखने का समय दिया, योग का चार्ट बढ़ाने का समय दिया। और आज शाम को सभी बाबा मिलन भी मनाएंगे। अभी चलते हैं बाबा की याद में। मन पंछी तू